स्पेशली टू विमेन आई वुड लाइक टू से दैट आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है. हर फैमिली मेंबर को जिम्मेदारी बांटनी होगी, हर फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना होगा, तभी सारा घर आगे बढ़ सकता है. नमस्ते, मेरा नाम गौरी दास है और मेरी स्टोरी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में. ये गाँव बहुत ही हरा भरा सा, बहुत सारे ट्रीज थे यहाँ पे, एक टिपिकल गाँव मैनी मैनी ईयर्स अगो, 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है. और मैं वहाँ पर गुल्ली डंडा खेला करती थी. मैं तीन भाइयों बहनों में सबसे छोटी थी, तो पैम्परिंग भी होता था एंड इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. वहाँ मंदिर था, कुआं था, मतलब इतना मज़ा आता था एज अ चाइल्ड कि मैं बता नहीं सकती. शहरों में तो वो सब होता ही नहीं है. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, वहाँ पर कोई अच्छे स्कूल्स नहीं थे. तो जिस स्कूल पे मैं जाती थी वहाँ पर एक ही हॉल था और उसी हॉल में सारे बच्चे बैठते थे. किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप उसी हॉल में बैठोगे. कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होती थी. तो अगर घर में कोई आ गया तो मैं मम्मी को छोड़ती नहीं थी जब तक वो घर से बाहर निकल ना जाए, इतना कम कॉन्फिडेंस होता था. और कोई क्लास में भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं और मुझे कॉन्फिडेंस लगे, तो मुझे लगता था मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ. वो बाद में समझ में आया कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी और मुझे लगता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ. खैर, कहानी चलती रही और एक छोटे से गाँव से मैं एक कस्बे में गई और वहाँ पर पढ़ाई की. एकेडमिकली इंक्लाइंड थी मैं, और अगर कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड होता था उन दिनों तो या तो वो इंजीनियर बनता था या डॉक्टर बनता था. तो मेरे लिए डॉक्टर वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब थी, तो इंजीनियरिंग वॉज द ओनली ऑप्शन. हमें और ऑप्शंस तो गांव में रह के पता ही नहीं होते थे. तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, मेरा रैंक अच्छा आया था तो मैं सेकेंड रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में गई. इस जगह का नाम था इंदौर, तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को कहते हैं, और वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गई. जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ देखा कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स थे वहाँ पर और हर कोई बहुत अच्छे से फराटेदार इंग्लिश बोलता है. बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चे थे वहाँ पर सारे. और मैं आई थी एक छोटे से जगह से, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मुझे कुछ नहीं आता है और इंग्लिश पढ़ना था. मेरे लिए इंग्लिश बहुत बाद में शुरू हुआ तो इंग्लिश मुझे आता नहीं था. तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर था. मैं जाती थी, अपने क्लासमेट से बात करती थी, उन्हें पूछती थी मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे पास होना है इस पेपर में. एक बार हेल्प किया, दो बार हेल्प किया, तीन बार हेल्प किया, देन दे सेड तुम वैसे ही फेल होने वाली हो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो. इन सारी चीज़ों को लेकर के और वैसे भी मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से मैं कभी भी क्लास में यस मैडम का भी जवाब नहीं दे पाती थी. मैं ओनली हाथ उठाती थी अगर रोल कॉल होता था. तो इतने कम कॉन्फिडेंस के साथ और ऐसा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ी नहीं पाऊंगी. मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, एंड आई जस्ट लेफ्ट माई सेल्फ देयर. इफ नॉट फॉर माई फादर, जिन्होंने मुझे हमेशा बोला ट्राई 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 अगेन एंड यू विल सक्सीड. उन्होंने भी अपने आप को स्टेब्लिश किया था. वो उत्तर प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में उन्होंने जॉब ढूंढा उनके लिए. जब उनकी शादी हो गई, दो बच्चे हो गए, तब तक वो पढ़ाई कर रहे थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये सब करके मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ तो तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो. तो उनकी वैल्यूज़ की वजह से, उनके समझाने की वजह से मैं आगे बढ़ी. मैंने इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया लेकिन उसके बाद भी मेरी इंग्लिश सुधरी नहीं थी. फिर मैंने MBA के लिए ट्राई किया और MBA में मैंने इंटरव्यू और GD में रिक्वेस्ट किया कि मुझे हिंदी में अलाउ करें बोलने के लिए. बट क्योंकि मैं एक इंजीनियर थी, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आई MBA में एंड आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन एन MBA इंस्टीट्यूट. बट लाइफ हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी. मैं MBA काउंसलिंग में जाने से पहले मंडप पे चली गई और मेरी शादी हो गई. तो अभी इंजीनियरिंग ख़त्म किया ही था, 6 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई और मैंने लैंड किया आसाम गुवाहाटी में. आसाम गुवाहाटी बहुत सारे लोगों ने तब सुना भी नहीं था क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में आता है और यहाँ पर आपको कोई जॉब या करियर बनाने के लिए कोई नहीं जाता. तो जैसे ही मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मैं आसाम जा रही हूँ, दे सेड अब तो तुम हाउसवाइफ बन गई हो, अब तो तुम घर का ध्यान रखो, करियर के बारे में कुछ सोचो ही मत. और सही में ये जगह ऐसी ही थी क्योंकि वहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी. तो मैंने बहुत कोशिश की, बट एज वी से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे भी वहाँ पर एक जॉब मिल गया.
लेकिन मैं बहुत खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. सो आई यूज़ टू ऑलवेज प्रे कि किसी बड़े शहर हम चले जाएँ और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाए. भगवान ने सुन ली और हम अहमदाबाद गए. पर मुझे पता नहीं था कि अहमदाबाद भी 2005 में वैसा ही होगा और वहाँ पर भी एक इंजीनियर के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी. पर मुझे कुछ तो करना था. मेरे अंदर हमेशा वो एक आग थी कि कुछ करना है, कुछ बनकर दिखाना है. तो मैंने एक MBA MCA इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगी क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. 2 साल तक ये सब पढ़ाया और कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की. टाइम आ गया बंडल ऑफ जॉय का और मेरी बेटी का बर्थ हुआ. उसका बर्थ और हमारा मुंबई आना, ये दोनों एक साथ हुए. मुंबई मेरे लिए, महाराष्ट्र मेरे लिए 7वां स्टेट है. सो मैं पहले 6 अलग अलग स्टेट्स में रह चुकी हूँ तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आसानी से मिली. बट यस, इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस. आपको सामान लेके इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ता है. खैर, मुंबई आ गए. आई वॉज ऑन ब्रेक. न्यूक्लियर फैमिली, डॉटर बहुत छोटी थी एंड आई हैड नेवर बीन टू सच अ मेगा सिटी एवर. कोई मेट्रो में मैं कभी नहीं गई थी तो मुझे बड़ा डर लगता था, बहुत इंटीमिडेटिंग लगता था मुंबई. और ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं मुझे नहीं आता था. तो जब तक मैंने 4-5 चप्पलें नहीं तोड़ी, 5-6 दुपट्टे नहीं फाड़े, तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि लोकल ट्रेन में एंटर कैसे करते हैं. ये सब चलता रहा. 2 साल तक मैंने ब्रेक लिया और इसी दौरान मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया. उसके बाद मैंने कोशिश की जॉब ढूंढने की. पिछले 4 साल में मैं 4 अलग स्टेट्स में रही थी. मैं 2 साल से जॉब नहीं कर रही थी. एक न्यूक्लियर फैमिली में थी, मुंबई पहली बार आई थी. इतने सारे रीजंस थे एम्प्लॉयर्स के पास मुझे रिजेक्ट करने का और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. इतनी सारी चीज़ों के बाद कौन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगा. 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और 13 इंटरव्यूज के बाद फाइनली मुझे एक जॉब मिली मुंबई में. एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. मुझे सेटअप करना था ऑफिस एक MNC का, तो HR और एडमिन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी मिली. हायरिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली राइट फ्रॉम प्यून टू जनरल मैनेजर, द हाईएस्ट डेजिग्नेशन आफ्टर CEO. बट अगेन लाइफ हैड सम अदर प्लान्स. कंपनी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और बंद हो गई 1 साल के अंदर ही. फिर से आई वॉज बैक टू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड इस बार मुझे एक ऑस्ट्रेलियन MNC मिली. यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था बिकॉज ये ट्रांजिशन पीरियड था. ये कंपनी 30 साल पुरानी थी और करंटली इस कंपनी को एक्वायर किया था एक ऑस्ट्रेलियन MNC ने. सो वो जो मर्जर एंड एक्विजिशन वाला पीस होता है वो मुझे देखने को मिला और इसमें मुझे कम्युनिकेशन बहुत काम आया, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत काम आया, मेरी लिसनिंग स्किल्स मुझे बहुत काम आई और ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर लर्निंग एंड फॉर माई ग्रोथ. उसके बाद मैं अपनी करंट कंपनी में हूँ पिछले लगभग 8.5 साल से और यहाँ पर मैं हेड ऑफ HR सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ. ये कंपनी एक यूरोपियन बैंक की सब्सिडरी है और इस कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली लर्निंग के लिए. सो अगर आप देखेंगे तो करियर ग्राफ छोटे से गांव में से शुरुआत हुई और आज मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ. मैं top 5 वुमेन HR हूँ. मैं top 200 लीडरशिप वॉइसेज हूँ, ऑथर हूँ और कोचिंग की जर्नी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. सो इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम सोचें कि हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल है. चैलेंजेस आए, मैंने शेयर किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए. उसके अलावा और भी चैलेंजेस आए जो मेंटल ब्लॉक्स थे. तो स्पेशली टू वुमेन आई वुड लाइक टू से दैट आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है. हर फैमिली मेम्बर को जिम्मेदारी बांटनी होगी, हर फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना होगा, तभी सारा घर आगे बढ़ सकता है. मेरे पास भी ये थॉट प्रोसेस थी हमेशा कि घर के सारे काम मुझे करने हैं, तो मैंने कभी हेल्प नहीं मांगी अपने फैमिली मेम्बर से. बट आफ्टर अ पॉइंट आई हैड अ वेरी बैड बैक पेन एंड आई रियलाइज दैट मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकती. सो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि आस्क फॉर हेल्प. आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट वीकनेस. करेज लगता है जाके पूछने के लिए कि मुझे मदद करोगे क्या. और ट्रस्ट मी, अगर आप पूछोगे तो जवाब हाँ में मिलेगा, अगर आप पूछोगे ही नहीं तो जवाब हमेशा ना ही होगा. सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हमेशा लर्निंग करते रहे. इंजीनियरिंग किया मैंने, फिर MBA किया, उसके बाद MSc साइकोलॉजी किया, NLP सर्टिफिकेशन किया, अब मैं कोचिंग सर्टिफिकेशन कर रही हूँ. रेगुलरली पढ़ते रहिए बिकॉज आज की दुनिया में जो आपने पहले सीखा था उसका कोई वैल्यू नहीं है. हर 3 साल में चीज़ें बदल जाती हैं. सो कंटिन्यूस लर्निंग इज अनादर थिंग. एंड थर्ड थिंग इज माइंड सेट दैट आई एम लीडर ऑफ माई लाइफ.
मुझे ही डिसाइड करना है मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं. वी नीड टू थिंक दैट वी आर सीईओस, चीफ एंड कैप्टन ऑफ आवर ओन लाइव्स एंड वी हैव टू टेक चार्ज. सो दीज थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू से कि हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए. थैंक यू.